हेलो, मैं श्रेया सुधीर। प्लास्टिक मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे मेरे वीडियोस जो है वो आप लोगों ने शायद सभी ने देखे होंगे। तो एक अभी हो रहा है कि मुझे, बिकॉज आई वर्क ऑन बॉटल फॉर चेंज प्रोग्राम, तो बहुत क्वेरीज आ रहे हैं। जैसे एनएमसी है, टीएमसी है, बीबीएमसी है, पीसीएमसी है, लोगों की तरफ से कि एक कहा जा रहा है कि ये ब्रिक जो है, जिसमें हो रहा है कि बहुत सारे लोग, दोज हु आर मोर कॉन्शियस अबाउट एनवायरमेंट, वो क्या कर रहे हैं, इको ब्रिक बना रहे हैं। इस बॉटल के अंदर बहुत सारे मल्टी लेयर है, यानी चॉकलेट रैपर है, बिस्किट रैपर है, वो इसके अंदर डाल के इसका ब्रिक बना रहे हैं। तो उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो एमएलपी यहाँ वहाँ पड़ा होता है वो एक जगह पे स्टोर किया जाए, और इसके लिए ब्रिक बनाया जा रहा है। पर ये ब्रिक बनाने के बाद रिसाइकलिंग के लिए जाना, ये सबसे डिफिकल्ट टास्क है, मैं बताती हूँ आपको। क्योंकि जैसे हमारे नाम अलग अलग होते हैं, प्लास्टिक की कैटेगरीज भी अलग अलग है। ये पेट है तो ये एम एल पीज है, जिसे हम मल्टी लेयर पैकेजिंग कहते हैं। ये सारे अलग है, ये एम एल पीज अलग है। ये और ये साथ में रिसाइकल नहीं हो सकते। होता क्या है कि हम चॉकलेट के रैपर, बिस्किट के रैपर पूरा इसमें भर के एक ब्रिक पूरा बना देते हैं, क्योंकि हमको, हमें एनवायरनमेंट के प्रति, हमारे में एक भूमिका है कि हमें कहीं पे एनवायरनमेंट की रक्षा करना है। पर आप कहीं ना कहीं पे ये करके एक काम और बढ़ा रहे हो। जब ये जो इको ब्रिक होता है, ये रिसाइकलिंग के लिए जाने जब जाता है, तकलीफ होती है। क्योंकि क्या होता है कि ये पेट है, ये एमएलपी है, ये दोनों साथ में रिसाइकल नहीं होगा। इवन ये जो है, ये भी अलग से रिसाइकलिंग के लिए चला जाता है। तो जब आप इसमें डालकर पूरा प्लास्टिक जो भी है भरकर किसी को देते हो, तो जब वो प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए जब जाता है, तो उन्हें ये बॉटल को कट करना पड़ता है। बॉटल कट करने के बाद उसमें से फिर उनको सारे जो मल्टी लेयर से निकालने पड़ते हैं, मल्टी लेयर अलग से रिसाइकलिंग होंगे, पेट अलग से रिसाइकलिंग होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको सच में काम करना है एनवायरनमेंट के लिए, या फिर आप कहते हैं कि आपको प्लास्टिक मैनेजमेंट पे काम करना है, आप सिंपल एक काम करो ना, एक बैग ले लो, जिस बैग में सारे मल्टी लेयर आप अलग से रख दो, दूसरे बैग में सारा हार्ड प्लास्टिक आप अलग से रख सकते हो। फिर बॉटल फॉर चेंज का व्हीकल है जो आपके सोसाइटी में आएगा, तो आपको सिर्फ दो बैग उठा के देनी है, एक सॉफ्ट प्लास्टिक की और एक हार्ड प्लास्टिक की। तो इससे क्या होगा कि उसी वक्त एट अ सोर्स वो सेग्रीगेशन हो जाएगा। बट जो इको ब्रिक होते हैं, जैसे कि हम जब कहते हैं कि ये सारे ब्रिक के अंदर इतने मल्टी लेयर ठूस ठूस के भरे जाते हैं, जब ये जाता है वेस्ट सेंटर, जहाँ पे एक प्लास्टिक कलेक्शन सेंटर पे जब जाता है, तो उसको कट करना पड़ेगा। मैं बार बार इसीलिए बताती हूँ कि ये डिफिकल्ट टास्क है। और शायद फिर वो जो रिसाइकल होते हैं उनके लिए, अरे ये कौन करेगा, शायद ये नहीं रिसाइकल को जा सकता है। तो कोशिश करो कि अगर आपको सच में प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए काम करना है, तो आपको दो बातें याद रखनी है। एक तो जो भी आपकी हार्ड प्लास्टिक है, जिसे हम कहते हैं पेट है, उसमें आपका अलग अलग है, ये